अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो दो वीडियो में पहले जो है वो हम क्रड ऑपरेशन विद सिंपल मेथड जो है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जो है वो वैल्यूज़ को गेट कैसे करते हैं, वैलिडेशन वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं वो देखा था। तो इस वीडियो में जो है वो हम डेटाबेस में जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे और डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए मैं वो अपने वही प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड, मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लिया। इसमें मैंने ये अपने जो पिछली दो वीडियो में ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एसक्यूएल सर्वर को है जो वो ओपन कर लेता हूँ। उसमें हम एक डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं। तो ये मेरे पास एसक्यूएल सर्वर 2014 इंस्टॉल है, मैंने इसे ओपन कर लिया। इसे मैं कनेक्ट करता हूँ इधर से। आपके पास जो भी एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है आप उसे जो है वो ओपन कर लें। तो इधर से हम एक न्यू डेटाबेस बनाते हैं। मैं डेटाबेसेस में इधर डेटाबेस पर राइट क्लिक करूँगा इधर से। ये मैंने डेटाबेस पर राइट क्लिक किया। इधर से जो है हमारे पास एक विंडो ओपन होगी, उधर हमने अपनी डेटाबेस का जो भी नेम रखना है वो हम रखेंगे। तो इधर अभी जो है वो ओपन हो जाएगी। इधर फ्रेंड मैं इसका नाम दे देता हूँ क्रड विद सिंपल। ऐसे ऐसे करके मैंने इस डेटाबेस का नेम दे दिया और इधर मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारी न्यू डेटाबेस जो है वो बन जाएगी। तो इसमें हम एक टेबल बनाएंगे, उसका टेबल का नेम कोई भी रख ले अपनी मर्जी से। जैसे कि मैं इधर इसका टेबल का नाम रखूंगा रिकॉर्ड, ऐसे करके। तो ये देखिए इधर हमारी क्रड विद सिंपल के नाम से डाटाबेस बन गई। इस पर मैं राइट इसको मैं पहले एक्सपेंड करूंगा। इधर प्लस जो बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करूंगा। इधर इसमें आ जाऊंगा टेबल्स में। अभी देख ले, करंटली हमारे पास कोई टेबल नहीं है। तो इसमें टेबल पे राइट क्लिक करके टेबल इधर से टेबल पे क्लिक करूंगा और इधर से हम जो है वो अपना एक टेबल डिजाइन करेंगे। टेबल अपने फॉर्म पे जो फील्ड ली हैं उस हिसाब से डिज़ाइन करना है। तो हमारे फॉर्म पे जो है वो चार फील्ड हैं। सबसे पहले तो मैं लूँगा आईडी। जो आईडी जो होती है वो हर एक की यूनिक होती है, उसको हम ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। इसी आईडी के बेस पे हम डाटा डिलीट करेंगे और अपडेट करेंगे। तो आईडी ली, इसका मैंने डाटा टाइप रख दिया इंट। इसकी इंट होगी। उसके बाद हमने लिया था उधर फर्स्ट नेम, ऐसे करके मैं ऐसे ही दे रहा हूँ फिलहाल। वाचार 50 का ही कर लेते हैं। लास्ट नेम कर दिया इधर से, इसको भी वाचार 50 का ही कर दिया। उसके बाद आ गया जेंडर, जेंडर वाचार ये मेल है या फीमेल, इसको 10 कर देता हूँ। उसके बाद आ गया जी कंट्री। ये हमारे उधर देख लें आप, ये हमारे फॉर्म पे फील्ड है। कंट्री वाचार जो है वो मैं 50 का ही रहने देता हूँ। अब ये जो आईडी है हमारी, इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसको प्राइमरी की सेट कर दूंगा और इसको ऑटो इंक्रीमेंटेड इधर से राइट क्लिक करें, इधर इस पर क्लिक करें। इधर से जो है ये प्रॉपर्टीज़ में जाएं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें। इधर से इसकी एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इसको आप इस आइडेंटिटी नो है। अभी मैं इसको डबल क्लिक करके यस कर देता हूँ। नीचे आ गया इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट हो और एक का मतलब इंक्रीमेंट वन बाई वन रिकॉर्ड खुद ब खुद उसका आईडी इंक्रीमेंटेड होता रहे। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब ये इधर से जो चार चीज़ें हैं हमने उधर से देनी देनी है यूजर को। तो मैं इसको नॉट नल, नहीं ये नल नहीं होगी, ये यूज़र लाजमी देगा। तो मैंने इसको अनचेक कर दिया। मैं कंट्रोल एस से इसको सेव करूँगा। इसका नेम रख दिया मैंने रिकॉर्ड, रिकॉर्ड TVL अंडरस्कोर TVL ऐसे करके। तो ये हमारा डेटाबेस में जो है वो टेबल एक रेडी है। अब हम जो है ये एसक्यूएल सर्वर को विजुअल स्टूडियो के साथ लिंक करेंगे सबसे पहले। तो अब मैं अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। अब इस बटन पे क्लिक पे मैं हमने पिछली वीडियो में वैल्यूज़ गेट कर ली थी, मैंने आपको वैल्यूज़ जो है वो शो भी करवा दी थी। तो अभी हम जो है उससे नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो पहले देख लीजिए, जिसमें मैंने वैलिडेशन अप्लाई की थी और वैल्यू को गेट किया था। इधर हमारे पास सभी वैल्यू आ गई थी, इधर मैंने वो मैसेज बॉक्स में शो करवा दी थी। अब हम इधर डेटाबेस के साथ इसका कनेक्शन बनाएंगे। इधर मैं लिख देता हूँ कमेंट्स। कमेंट्स डालने के लिए डबल ये लाइनें डाल दो। इधर आप जो भी देंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको बोलते हैं कमेंट्स। डेटाबेस कोडिंग मैंने इधर हेडिंग दे दी है आपको समझाने के लिए। डेटाबेस की कोडिंग अभी इधर से स्टार्ट हो रही है। तो इधर सबसे पहले पहला स्टेप जो होता है ना, वो हमारा होता है कनेक्शन स्ट्रिंग का। कनेक्शन बनाना होता है हमने, फर्स्ट वी मेक कनेक्शन, ऐसे करके आप दे रहे हैं। सॉरी, ये कमेंट्स में देना है। चले एक बार मैं आप कर लेता हूँ, बाद में आपको हेडिंग के तौर पे समझा दूंगा।
सबसे पहले हमने जो है ना वो कनेक्शन स्ट्रिंग देनी होती है। आप देखें हम एसक्यूएल के साथ लिंक कर रहे हैं तो एसक्यूएल की हमें उसकी एसक्यूएल की हमें ना एक क्लास होती है वो ऊपर इंपोर्ट करनी पड़ती है पहले। आप ऐसा करें अपने जो प्रोजेक्ट है उसके टॉप पे चले जाएं जहाँ पे जितनी भी इंक्लूड है फाइल ये वाली। अब ये देखें इधर मैंने ये वाली फाइल इंक्लूड की है एसक्यूएल के लिए। अब ये देखें इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अब एसक्यूएल के साथ लिंक कर रहे हैं तो इसकी हम लाइब्रेरी ऊपर इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर आप एसएस के साथ कर रहे हैं तो उसकी होती है ओ एल ई डी बी होती है वो इम्पोर्ट करते हैं। ऐसे हर एक डेटाबेस की जो है ना अलग अलग होती है तो उसके मुताबिक जो है हम उसके फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इम्पोर्ट कर दिया। अब सबसे पहले जो है हमने कनेक्शन बनाना होता है डेटाबेस के साथ, उसके लिए होता है एसक्यूएल कनेक्शन। एसक्यूएल कनेक्शन इसका क्लास का हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है वो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, कोई भी नाम रख लें। जैसे कि मैं इधर रख रहा हूँ कनेक्शन, ये रख देता हूँ इक्वल टू न्यू, ये हमने उसके एक ना एक ऑब्जेक्ट बना लिया एसक्यूएल कनेक्शन। मतलब हम डेटाबेस के साथ इसका कनेक्शन बना रहे हैं। इधर हमने जो है वो बतानी होती है कनेक्शन की स्ट्रिंग। जो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है वो एक कोड होता है जो हमें विजुअल स्टूडियो को एसक्यूएल के साथ लिंक करता है। अब वो हमें कहाँ से मिलेगी उसका आपको मैं सिंपल मेथड बताता हूँ। आपने जाना है इधर टूल्स में, ये ऊपर टूल्स नजर आ रहा है, इधर लिखा हो कनेक्ट टू डेटाबेस, इस पर क्लिक कर देना है आपने। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इधर आपने देना होता है सर्वर का नेम। सर्वर का नेम क्या चीज़ होती है, आपका जो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है ना उसका जो सर्वर नेम है ना वो होता है। वो कैसे पता चलेगा, आप इधर चले जाएं इधर से, इधर पे ये कनेक्ट लिखा हुआ इस पर क्लिक कर दें, ये होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस इंजन पे क्लिक करना है, ये होता है सर्वर का नेम ये वाला। इसको आप इधर से कॉपी करें, इधर लाकर यहाँ सर्वर नेम में पेस्ट कर दें। अब जैसे ही आप ये सर्वर के इधर पेस्ट करेंगे तो इधर जो जितनी भी डेटाबेस होंगी इस एसक्यूएल में वो सारी इधर शो हो जाएंगी। ये देखें इधर लोडिंग डेटाबेस हो रही है अभी। तो आपने जो अपनी डेटाबेस बनाई है उधर से वो सिलेक्ट कर लेनी है। हमने बनाई है क्रड वाली, ये देखें क्रड भी इधर सिंपल वाली, ये इधर शो हो रही है। अब ये एक तरीका होता है। उसके अलावा सर्वर नेम अगर आपने कोई चेंज वगैरह नहीं किया तो आप सिंपल इधर डॉट दे दें, डॉट लिख दें। ऐसे डॉट करने से ये आपका सर्वर का नेम है जो बाई डिफॉल्ट होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डॉट डाला इधर, ये भी वैसे ही काम करेगा। इसको इधर से डेटाबेस सेलेक्ट करें जो आपने डेटाबेस बनाई है, हमने बनाई है क्रड विद सिंपल वाली, इसको मैंने चेक कर दिया। अब इधर से कनेक्शन को टेस्ट कर लें, अगर बन जाएगा तो सक्सीडेड का मैसेज आ जाएगा। अब सक्सीडेड मतलब कनेक्शन बन गया। अब मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब इधर से मैंने इधर से ओके, अब तरीकों से जो है ना आप कनेक्टेड स्ट्रिंग को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब इधर से एडवांस पे क्लिक करें, इधर नीचे ये लिखी हुई कनेक्शन स्ट्रिंग, ये इसे बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, ये सारी कॉपी कर लें इधर से कर लें। ये तो ऐसे ओके कर दें एक बार, इधर से इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद ये देखिए सर्वर एक्सप्लोरर विंडो में आपका जो है ना ये कनेक्शन बन जाएगा। इधर सर्वर एक्सप्लोरर विंडो इधर साइड पे होती है इस टूल बॉक्स विंडो के साथ। अगर आपको नहीं पता कि ये किधर है विंडो तो व्यू में जाएं, इधर से सर्वर एक्सप्लोरर विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए सर्वर एक्सप्लोरर विंडो, इस पर क्लिक करें, ये हो गया। अब ये हमने कनेक्शन क्रड विद सिंपल, ये देख रहा हमारे डाटाबेस का नेम, ये हमने कनेक्शन बनाया डेटाबेस के साथ। इसकी मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो प्रॉपर्टीज विंडो आपको पता है इधर ओपन होती है। इधर आप ये रीच की कनेक्शन इस पर डबल क्लिक करें, ये सारी सिलेक्ट हो जाए, कंट्रोल सी करें या ऐसे करके कॉपी पेस्ट कर लें आप जैसे आपकी मर्जी। इस पर डबल क्लिक करें, ये सिलेक्ट होगी सारी, इस पर जाके कॉपी करें इधर से। अब इधर आपने वो पेस्ट करनी होती है बेसिकली, ये मैंने इधर पेस्ट कर दी, हो गया। अब ये आपने देनी होती है डबल कोट्स में, डबल कोट्स मतलब एक ये इधर से कोट्स और एक होता है इधर कोट्स, ऐसे डबल कोट्स में ये देनी होती है। अब फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपको बहुत से एरर आएंगे, तो आप इधर से मतलब वो लाइनों का एरर आ रहा है कोई, तो आप सिंपल क्या करें इसके डबल कोटेशन से पहले एट द रेट लगा दें। अगर कोई कनेक्शन स्ट्रिंग में मसला भी होगा तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। अब हमारा ये बन गया, ये फर्स्ट वी मेक कनेक्शन, इधर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वी मेक कनेक्शन, ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई, ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। अब सेकंड जो है ना वो हम करेंगे कनेक्शन को ओपन, पार्ट टू में कनेक्शन को ओपन करेंगे, कनेक्शन ओपन ऐसे करके। ये ओपन कैसे करते हैं, आपने क्या करना है, ये जो आपका जिसमें आपने ये सारी कनेक्शन स्ट्रिंग सेव करवाई ना इसको लिखना है कनेक्शन, ये वाला
ओपन ऐसे करके, बस सिंपल इतना ही करना है। इसको ओपन मेथड करके अब कनेक्शन हमारा ओपन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है, उसमें हमने क्यूरी लिखनी होती है कि हमारी कौन सी क्यूरी है। अब हमने डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना है, तो इसके लिए हम इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे। इंसर्ट की क्यूरी कैसे लिखेंगे, वो होता है एसक्यूएल की कमांड, उसको बोलते हैं एसक्यूएल कमांड। अब इसका भी जैसे हमने कनेक्शन का ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया, इसका भी हमें बनाना पड़ेगा। तो इसको लिए मैं एसक्यूएल बना लेता हूँ कमांड, ऐसे कमांड टाइप। ये नेम मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ, कोई भी दे सकते हैं आप। इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड ऐसे करके, अब मैंने इसे बंद कर दी। अब इसमें ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, पहला हमने हमारी क्यूरी जो होती है हमने कौन सी क्यूरी लिखनी है, दूसरा हमारा उस क्यूरी के साथ कनेक्शन। अब क्यूरी हम इधर लिख सकते हैं, पहले पहले मैं आपको इधर ही लिख के बताता हूँ। इधर हमने इंसर्ट करना है डाटा, इंसर्ट ऐसे इंसर्ट, ये इंसर्ट की क्यूरी लिख रहा हूँ, इंसर्ट इनटू, ये आगे हमारे होता है टेबल का नेम। टेबल का नेम आपको पता है, हमने रिकॉर्ड रखा है इधर से, आप देख सकते हैं। इधर से मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये देखें इधर डी बी और रिकॉर्ड अंडर स्कोर टी बी है ये। तो मैं इधर ये टेबल का नेम लिखूंगा, रिकॉर्ड अंडर स्कोर टी बी है। अब ये इतना मैंने लिख दिया, इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड इंसर्ट, इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करो, कौन कौन से कॉलम में इंसर्ट करो। अब हमने इधर कॉलम नेम देने होते हैं, हमने ये ऑटो इंक्रीमेंटल रखा तो हम ये इधर मेंशन नहीं करेंगे इंसर्ट के टाइम। हम ये चारों में डाटा मिल रहा है, हम चारों, क्योंकि आईडी तो हम ले ही नहीं रहे यूजर से, तो हम ये चारों जो है ना इधर कॉलम के नेम उधर हम उसे बताएंगे। इधर सबसे पहले आपने कॉलम का, पहले कॉलम का नेम है फर्स्ट नेम, आपके जो होगा वो लिखेंगे। इसके बाद आपने कोमा डालना है, इसके बाद होता है लास्ट नेम ऐसे करके, फिर होता है जेंडर हमारा तीसरा, और लास्ट वाला है कंट्री ऐसे करके। अब ये हो गया ब्रैकेट में, अब इसके बाद होता है वैल्यूज ऐसे करके लिखना है, ये कैपिटल में लिखना है। आप क्यूरी है आपको अच्छी, मतलब अच्छी रहेगी। इसके बाद हमने छोटी वाली ब्रेसिस लगानी है, इसमें हमने वैल्यूज में देने होती है कि हम कहाँ से वैल्यू ले रहे हैं। हम बेसिकली इस फॉर्म से वैल्यू ले रहे हैं, ये फॉर्म की वैल्यू हमने वेरिएबल्स में स्टोर करवाई है, ये आपके सामने ये। अब ये वाली वैल्यूज हम इन कॉलम में फिल करना चाह रहे हैं, मैप करना चाह रहे हैं मतलब। तो ये वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, ये हमने वेरिएबल में आपके सामने, मैंने पिछली दो वीडियो में हमने सेव की थी ये वाले वेरिएबल में, ठीक है ना। तो ये वाले वेरिएबल हम वन बाय वन करके पास कर देंगे। तो पहले वाला जो है वो हमारे पास, अब पास करने के लिए इधर मुख्तलिफ वे हम सिंपल में कर रहे हैं, तो मैं आपको फिलहाल ऐसे बता रहा हूँ। पहले आपने सिंगल कोटेशन, फिर डबल कोटेशन, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर सिंगल डबल कोटेशन बंद, फिर सिंगल कोटेशन बंद, ऐसे ये हो गया। अब इधर हमने पहले वाली वैल्यू, इधर पहला फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम वाली वैल्यू हम इधर सेव करवाएंगे। इधर हमने फर्स्ट नेम के वेरिएबल में स्टोर करवाई तो फर्स्ट नेम का वेरिएबल, ठीक हो गया। अब इसके बाद डालना है कोमा, अब फिर सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, प्लस, फिर डबल कोटेशन बंद पहले, फिर सिंगल कोटेशन बंद ऐसे करके। अब हमने लास्ट नेम भी करना है, तो ये हो गया। अब फिर कोमा डालना है, उसके बाद फिर सिंगल कोटेशन पहले, डबल कोटेशन, फिर प्लस को बंद किया, फिर डबल कोटेशन को बंद किया, फिर सिंगल कोटेशन को बंद किया ऐसे करके। अब तीसरा हमारा है जेंडर, जेंडर, अब फिर कोमा डाला, पहले सिंगल कोटेशन, फिर डबल कोटेशन, फिर प्लस को बंद, फिर डबल कोटेशन को बंद, फिर सिंगल कोटेशन को बंद। इधर हमने दे दिया कंट्री में हमारी जो वेरिएबल में, कंट्री वेरिएबल में स्टोर, इधर हमने जो है कंट्री वेरिएबल को पास कर दिया। अब देखिए पहली वैल्यू, पहले वाले ये इसका जो नाम है हमारे कॉलम का, उसमें से अब दूसरे वाला ऐसे जैसे जैसे आप सीक्वेंस से लिखेंगे वैसे वैसे वैल्यू सेव हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमने देना होता है, ये हमारी वैल्यूज होगी, इधर हम ये ब्रेसिस बंद होगी। अब कोमा डाल के हमने कनेक्शन देना होता है जिसमें हमने कनेक्शन सेव करवाया, तो कनेक्शन हमने कनेक्शन नेम के वेरिएबल में सेव करवाया, सॉरी क्यूरी के बाद। अब यहाँ पर हमारी क्यूरी बंद होगी, ये देखें सही है फ्रेंड। इसके बाद कोमा डाला, इधर हमने देना होता है कनेक्शन, ये देखिए इधर से कनेक्शन को पास करना होता है। तो कनेक्शन नेम हमारा कनेक्शन वेरिएबल में ही है, तो वो मैंने इधर सेव कर, इधर पास कर दिया ये वाला। अब हमारी क्यूरी जो है कंप्लीट होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद जो है वो हमने करना होता है नेक्स्ट पार्ट में, इधर मैं लिख देता हूँ, ये पार्ट थ्री था, पार्ट थ्री क्यूरी, इधर आपने क्यूरी लिखनी होती है। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक सी एम डी का ना होता है, मतलब कि इस क्यूरी को एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं, डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं, उसके वो हम कैसे चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इधर इंट नेम का एक वेरिएबल, इंट डाटा टाइप, रिजल्ट नेम का एक वेरिएबल ले लिया ऐसे, इक्वल टू, अब ये हमारी कमांड है, कमांड ये वेरिएबल जिसमें हमने कमांड सेव करवाई है, डॉट इसको एग्जीक्यूट कर दो,
एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये मेथड होता है इसको। अब ये क्या करेगा, इस कमांड को जो हमने लिखी है इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर एग्जीक्यूट हो जाती है मतलब ये डाटा डेटाबेस में चला जाता है, तो ये इसमें जो है ना ये वन पास करता है, मतलब जब एग्जीक्यूट हो गई तो इसमें वन आ जाएगा। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं हमारा डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। अब इधर मैं लिखता हूँ चेक लगा, इफ अगर रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट नाम का हमारा ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है जीरो के, जीरो से मतलब बड़ी है, तो जीरो का मतलब जब ये कमांड चलेगी तो ये जीरो से वन कर देगा, नहीं तो जीरो ही रखेगा। अगर इसमें वन आ गया तो मतलब जीरो से बड़ी है, तो इधर हम मैसेज बॉक्स में शो करवा देंगे कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ऐसे करके डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ऐसे करके। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब डाटा इंसर्ट ही नहीं हुआ, एल्स पार्ट में आ जाएगा वो। इधर हमने कह दिया इसी मैसेज बॉक्स में डाटा नॉट इंसर्टेड, नॉट इंसर्टेड, ऐसे करके डाटा नॉट इंसर्टेड। अब ये फ्रेंड, अब इधर हमने देखे कनेक्शन को ओपन किया ये सेकंड वाले में, अब इधर हम कनेक्शन को जब हमारा काम हो गया तो कनेक्शन को हम क्लोज भी करेंगे, कनेक्शन डॉट क्लोज, सॉरी ये होगा कनेक्शन डॉट क्लोज, ऐसे करके बस ये हमारा काम हो गया। अब इसमें अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारा जो है वो डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से इसको क्लिक करता हूँ स्टार्ट पे, तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है। अब मैं ऐसे ही, अभी मैंने कुछ भी किसी कॉलम में वैल्यू नहीं दी किसी फील्ड में, तो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, तो कहेगा कि फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, ये हमने वैल्यूएशन अप्लाई की थी पिछली वीडियो में। तो मैं इधर दे देता हूँ पहले वाले में एडवांस, ऐसे करके। अब फिर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, वो कहेगा लास्ट नेम भी चाहिए क्योंकि हमने ये चारों फील्ड रिक्वायर्ड रखी हैं। तो लास्ट इधर लिख देता हूँ टीचिंग, ऐसे करके। अब फिर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, तो अभी तक उसने हमारा डेटा सेव नहीं कर रहा, तो कह रहा है कंट्री को सिलेक्ट कर, इधर से मैं कंट्री को सिलेक्ट कर देता हूँ पाकिस्तान। अब चारों फील्ड फिल हो गई है, ये भी फिल हो गई, ये भी फिल हो गई, और इधर से मेल भी सिलेक्टेड है, इसको फीमेल कर देता हूँ चले मैं, या मेल कर देता हूँ जैसे आपकी मर्जी। तो अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो हमारा डाटा डेटाबेस में सेव होना चाहिए, तो मैंने सेव पे क्लिक किया ऐसे, तो ये देख लेते हैं डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया कि हम आपका डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो हम जो है वो चेक कर लेते हैं तो हमारा डाटा जो है वो सक्सेसफुली हुआ भी है या नहीं हुआ। तो इधर मैं इधर डेटाबेस में जाता हूँ अपनी, इधर से जाके ये हमारा टेबल था, इसको मैंने इधर से रिफ्रेश किया, तो ये हमारा टेबल इधर आ जाएगा जो हमने न्यू बनाया। इस पर मैं क्लिक करके एडो टॉप 200 रो, ये होता है 200 रोज, इसको मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये इधर अगर डाटा होगा तो इधर शो कर रहा होगा ये डाटा। तो अभी जो है 1 मिनट, तो ये फ्रेंड देखें सक्सेसफुली हमारा डाटा जो है डाटाबेस में आ गया, ये देखें इधर से पहली आईडी एडवांस टीचिंग मेल पाकिस्तान। अब मैं इसी को दोबारा से इंसर्ट करके चेंज करके दिखाता हूँ आपको, तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया, इधर मैंने कर दिया जॉन, ऐसे करके इसको मैंने कर दिया स्मिथ, इसको मैंने कंट्री इसकी कर दी इंडिया, ऐसे करके फीमेल मैंने इधर से सिलेक्ट कर दिया। अब मैंने सेव पे क्लिक किया, वो देखें डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब इधर मैं डाटाबेस में जाता हूँ एसक्यूएल सर्वर में, ये मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन किया, इधर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से एग्जीक्यूट एसक्यूएल, तो ये देखें हमारा दूसरा डाटा जो है वो भी डाटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। ये देखें जॉन स्मिथ, इसका जेंडर जो है वो फीमेल है और ये इंडिया से। तो ये फ्रेंड हो गया हमारा इतना। तो फ्रेंड इस अभी जो हमें चाहिए वो ऐसे चाहिए, अब जैसे ही डाटा इंसर्ट हो जाए तो ये फील्ड्स भी क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो भी मैं अभी इसी वीडियो में कर लेता हूँ, वीडियो की लेंथ वैसे काफ़ी ज़्यादा हो गई, चले इसी वीडियो में थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, वो मैं अभी कर लेता हूँ इधर से। ये मैंने विजुअल स्टूडियो को ओपन किया, तो इधर मैं क्या करता हूँ इस बटन पे क्लिक पे मैं जो है ना क्लियर जो हमारा बटन है इस पे मैं क्लिक करके डबल क्लिक करके इसका इवेंट जनरेट किया क्लियर बटन का। जैसे इस पे क्लियर हो तो हमारा डाटा क्लियर हो जाए, क्या हो जाए कि जो हमारा फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स है ना, वो हमने नेम शायद, हाँ फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ऐसे कर लें स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ये हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट नेम का
स्पोर्ट्स डॉट टेक्स्ट, इसका भी एम्प्टी कर दो, जो भी है इसमें एम्प्टी हो जाए, डॉट एम्प्टी, ये हो गया। अब जेंडर के लिए तो हमने बाय डिफॉल्ट रखा ही हुआ है एक चेक, लेकिन उसको भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो कंट्री के लिए हम करेंगे कंट्री कम्बो बॉक्स जो है ना, कंट्री कम्बो बॉक्स वन, इसका जो सिलेक्टेड इंडेक्स है ना, सिलेक्टेड इंडेक्स ये वाला, इसको माइनस वन कर दो दोबारा से, मतलब कोई चीज सिलेक्टेड ना हो। तो अभी फिलहाल मैं आपको इतना ही रन करके दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन रन होगी। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही इधर कुछ दे देता हूँ, ए बी सी ऐसे करके डी ई एफ, इधर से मैंने ये सिलेक्ट किया। अब मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ, मैंने क्लियर पे क्लिक किया, ये देखिए आपके सामने ये सारी फील्ड्स क्लियर हो चुकी हैं। तो ऐसे जो है अब डाटा सेव हो तब भी ये फाइल क्लियर हो जाए, सारी फील्ड क्लियर। अब इसको भी हम अभी करते हैं, अब इधर से ये क्लियर पे काम कर रहा है, ये देखें हमारी सारी जो वैल्यू क्लियर हो रही है। अब हम चाह रहे हैं कि ये जेंडर भी मतलब कोई अनचेक हो जाए, इसको कैसे करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड मैं इधर लिखूंगा मेल रेडियो बटन, हमारे इसका नेम है मेल रेडियो बटन डॉट, इसका जो चेक्ड प्रॉपर्टी है ना उसको फॉल्स कर दो। ऐसे ऐसे ही रेडियो जो फीमेल रेडियो बटन है हमारा, इसका हमने नाम रखा हुआ जो, उसकी जो चेक्ड प्रॉपर्टी है उसको भी फॉल्स कर दो। अगर दोनों में से कोई भी चेक्ड हो तो उसे फॉल्स कर दो। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड इधर अब मैं लिखता हूँ ऐसे ही कुछ भी, एडवांस टीचिंग, ठीक है फ्रेंड। इधर से ये सिलेक्टेड है चले फीमेल, इधर से मैंने कंट्री को कर दिया ये वाला। अब मैं क्लियर पे करूंगा तो ये सभी क्लियर हो जाएंगे, ये देखिए अब ये भी क्लियर हो गया, ये सारे क्लियर हो गए। अब यही कोड मैं जब सेव हो तब इस पे कॉपी कर दूं, पेस्ट कर दूंगा, तो जब जो हमारा डाटा सेव हो जाएगा तब भी ये फील्ड्स क्लियर हो जाएंगे। वो कैसे, वो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। ये मैं सारा कोड कॉपी करूंगा इधर से, ये वाला ये सारा कोड मैंने इधर से कॉपी किया कंट्रोल सी। अब जब हमारा डाटा ये देखें इसका मैसेज आएगा ना, जब डाटा का मैसेज आ जाए इसका, तो मैं क्या करूंगा इधर यही सेम काम इधर हो जाए, सेव किया। अब मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक करके आपको रन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड ये मेरी एप्लीकेशन रन हो गया। अभी इधर मैं लिखता हूँ कि क्रड, ऐसे लिख दिया क्रड, इधर लिख दिया ऑपरेशन, इधर से मैंने ये ले लिया सेलेक्ट कर दिया जो भी, ये फीमेल कर दिया। तो इधर से मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया, ऐसे मेल कर दिया, ऐसे दोबारा। अब मैं सेव पे जैसे क्लिक करूंगा ये हमारा डाटा डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ये देखें डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब ये फील्ड्स भी क्लियर हो जाएंगी, जैसे ओके पे मैंने क्लिक किया तो ये फील्ड्स भी क्लियर हो गए। तो फ्रेंड इसी वीडियो में देखा हमने कैसे डेटाबेस के साथ जो डेटाबेस का कनेक्शन बनाया वीडियो स्टूडियो के साथ, और जो है रिकॉर्ड को सेट किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड जो है वो डेटाबेस से डाटा इधर शो करवाएंगे डाटा ग्रिड व्यू में, और दोबारा आगे जो है उसको अपडेट डिलीट यहीं पे करेंगे पहले, फिर बाद में उनको इंडिविजुअल भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना।